देहरादून में स्मार्ट सिटी के तहत एक खूबसूरत शहर बनाने की योजना थी, मगर इसका ठीक उल्टा हुआ है। राजधानी अब पहले से भी ज्यादा बदसूरत हो चुकी है। सवाल उठ रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के तहत इन कामों को तोड़ने की तैयारी चल रही है, मगर सवाल यह है कि सरकार ने ये सब पहले क्यों नहीं सोचा। कुछ बनाने में भी जनता का पैसा लगता है, टैक्स का पैसा लगता है, तोड़ने में भी पैसा लगेगा, आखिरकार ये बर्बादी क्यों? लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत से 2017 में देहरादून के स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ, लेकिन परेड ग्राउंड का एक मंच जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये है। चर्चाएं हैं, खबर है कि जल्द ही इस मंच को तोड़ दिया जाएगा। बड़ा सवाल है कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत परेड ग्राउंड में जो मंच बना था इसमें तकरीबन 30 लाख की लागत आई थी। अब कहा जा रहा है कि सुरक्षा मानकों के हिसाब से इस मंच को तैयार नहीं किया गया, ऐसे में इस मंच को तोड़ दिया जाएगा। अब इसको तोड़ तो दिया जा रहा है, लेकिन जनता को इस सवाल का जवाब भी देना होगा कि लापरवाही किस स्तर पर हुई है ताकि आज इस मंच को तोड़ने की नौबत आई है। सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंत्रा, एबीपी गंगा, देहरादून। चलिए इसी खबर की डिटेल के साथ हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा का और उनसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, स्मार्ट सिटी के तहत हर साल लगभग नए सीईओ मिले हैं, ये तो रवायत रही है रवि, लेकिन ये जो चीजें बना दी जा रही हैं किस बिना पे बनाई गई और उसे अब तोड़ने की जिम्मेदारी दी जा रही है, आखिरकार कोई फाइनल खाका है कि नहीं? बिल्कुल सुनीता, देखिए बहुत बड़ा सवाल है स्मार्ट सिटी परियोजना पर कि जिस तरीके से पूरे देश में 100 शहरों में ये काम शुरू हुआ था और शुरुआती दौर में बहुत अच्छा काम चल रहा था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हिला हवाली और लापरवाही हुई है उन अधिकारियों की और जिम्मेदार लोगों की, ये सामने सबके सामने अब आ चुका है। जिस तरीके से देहरादून के परेड ग्राउंड में एक मंच जो VIP लोगों के लिए तैयार किया गया था, क्योंकि परेड ग्राउंड में तमाम राजनीतिक रैलियाँ होती हैं, अन्य भव्य कार्यक्रम होते हैं, इस मंच को तकरीबन 30 लाख रुपये की लागत से बनाया गया था, लेकिन अब इस मंच को तोड़ने की बात सामने आ गई है और जिस पर की मोहर भी लग गई है, क्योंकि एक नई निविदा भी नए मंच को बनाने के लिए अब जारी कर दी गई है। तो ऐसे में तमाम सवाल तो स्मार्ट सिटी की, चाहे खराब सड़कों के हो, यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम को लेकर हो, तमाम सवाल तो थे ही, लेकिन जिस तरीके से जनता के टैक्स का पैसा इस पर बहाया गया और एक बार फिर से तोड़ने पर पैसा बहाया जाएगा, नए मंच को बनाया जाएगा, इस पर सवाल यह है कि जब जिम्मेदार अधिकारी इसको लेकर इसकी कवायद शुरू कर रहे थे तो उस वक्त पूरी तरीके से ये क्यों नहीं देखा गया कि सुरक्षा मानक और अन्य जो मानक होते हैं उनके अनुसार इस मंच को बनाया जा रहा है या फिर नहीं। इतनी बड़ी लापरवाही हुई है जिसमें कि इतना बड़ा खर्चा जो जनता का पैसा है उसको यूं ही बहाया गया और बर्बाद कर दिया गया। ऐसे में बदल जाते हैं, हर कोई अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ के चला जाता है और कहते हैं ना, बहुते जोगी मन ठउजाड़, और कुल मिलाकर के उजाड़ कंडीशन में अभी भी आपके पीछे वो मंच दिखाई दे रहा है, घास दिखाई दे रही है, स्मार्ट कहने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, जैसे कि तस्वीरें आ रही हैं। न जाने कब ये फलीभूत होगा, जो नया डिजाइन भी बनाए वो बन करके तैयार हो जाए तो भला हो देहरादून की जनता का। देखते हैं आगे क्या स्टैंड रहता है। रवि, शुक्रिया तमाम तस्वीरों के साथ जानकारी के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।